लगा। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो शुरू करते हैं आज का दिन। मैंने तो अपना नाश्ता रेडी कर लिया है, बना के रख दिया, दे दिया, लेकिन अभी तक उनको हाथ भी नहीं लगाया। वो पूरा ठंडा हो जाएगा और फिर बाद में बोलोगे कि ठंडा हो गया। तो हो चली है शाम, क्योंकि अब बोर हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा एक राउंड मार कर आते हैं और देखते हैं बाहर बाहर क्या चल रहा है। आज कोई बच्चे लोग नहीं दिख रहा, सब बिजी होंगे। पूरा रोड आज खाली खाली खाली। कभी ये रोड पर मैं दौड़ा करती थी, अब चलना भी मुश्किल हुआ है। फिलहाल काफी ऐसे बोल रही है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मुझे ये महीने भर की बात है, 2 महीने बाद फिर दौड़ोगी। कितने सारे स्पोर्ट्स जो होते हैं ना हमारे यहाँ अंबरनाथ लोकली, वो मार्च में होते हैं, और इस बार मैंने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, जबकि मेरी पूरी तैयारी थी इस बार पार्टिसिपेट करने की। तो ना ही अंबरनाथ के इसमें, और अभी क्रिकेट का भी था वो भी स्किप हो गया। सब नेक्स्ट ईयर का वेट करूंगी, अभी नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट करेंगे सब में। ओके, तो आज मैं गाड़ी चलाने जा रही हूँ। वैसे इतना परफेक्ट नहीं है, बट थोड़ी बहुत इधर उधर आती है चलाने। तो ये रोड पूरा खाली है और आज हम गाड़ी चलाएंगे। काफी टाइम हो गया चलाए। लेट्स ट्राई, इसको बंद करती हूँ। तो ट्रेनर को कैसा लग रहा है, कैसे चलाई है मैंने गाड़ी? फिलहाल बढ़िया चल रही है, बढ़िया। थोड़ा सा ट्रेनिंग लगेगा, मतलब ढाई 3 साल के बाद मैंने गाड़ी को हाथ लगाया। फिलहाल चला कर अच्छा लगा, पहली बार मैंने ये गाड़ी को चलाया इतने अच्छे से। ऑल थैंक्स गोज टू यू। बदल, क्योंकि अब हम मेन रोड पर जा रहे हैं, तो अब नहीं ड्राइव करूंगी। तो आ चुके हैं घर पर और मजा आ गया, अच्छा लगा ड्राइव करके। काफी टाइम क्यों नहीं यार, इतना सच बोलो ना, इतना खाओ की बात नहीं है गाड़ी चलाना। मतलब जस्ट ऐसे मन होंगे तो मतलब बैठे बैठे मैं बहुत ज्यादा पक गई हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या हो रहा है मुझे ऐसा, बस हो गया अभी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से राउंड मार कर आते हैं। तो राउंड मारने गए तो उन्होंने बोला क्यों ना ट्राई कर लो, तो बोला ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी ड्राइव की, एक ही रोड पे स्ट्रेट जाते ना वैसे सीधे ही एक ड्राइव किया, और बोला नहीं बस नो रिस्क, 8-10 दिन की और बातें थोड़ा संभल जाती हूँ, उसके बाद में फिर सीख लेंगे। तो बस सीधे सीधे गए थे और सीधे सीधे आए, बट अच्छा लगा। मतलब कुछ अलग किया आज के दिन में मैंने, ये सोच के ज़्यादा अच्छा लगा और कुछ नहीं। तो फिलहाल अभी मैं करती हूँ डिनर और फिर आपसे मिलती हूँ, बिकॉज अभी डिनर आया नहीं, ये गए हैं ऊपर लेकर आने के लिए खाना। तो खाना लेकर आते हैं, फिर खाना खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। डिनर जो है वो आ चुका है, तो फिलहाल मैं करती हूँ डिनर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट एक चीज़ की बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हर दिन हमारे जो सब्सक्राइबर है ना वो बढ़ते जा रहे, तो बस ये चीज़ बहुत बहुत अच्छा लगता है। यू नो, जब कोई इतना मेहनत करता है हर दिन, अपने दिन में टाइम निकालता है, वीडियोज़ बनाता है, वीडियोज़ डेली अपलोड कर रहा है, तो उसकी जो मेहनत होती ना वो हमको लगता है कि नहीं यार भले करो, बट वो बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चलती रहती कि नहीं मुझे बनाना है, वीडियो बनानी है,
मुझे आज का वीडियो जो है डेली वाला वो अपलोड करना है, तो बैक ऑफ द माइंड जो है ना वो हमारा चलता ही रहता है कि नहीं हर दिन हमको पोस्ट करना है। तो आप लोगों की वजह से हम मोटिवेट होते हैं और हम डेली कुछ ना कुछ जो भी होता है लाइफ में हमारे वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। कुछ कॉमेंट हो, कुछ बातें बतानी हो आपको, तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो बस ये सोच के मैं वीडियोस बनाती हूँ, बट ये है कि और अब मुझे लग रहा है ना कि मैंने एक्चुअली बहुत अच्छा किया था, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना जो है ना वो रेगुलर मैंने अपने ये चैनल पर एक लाइक दिसंबर अराउंड 2021 से मैंने स्टार्ट किया था, और उसके सेम महीना डेढ़ महीने बाद ही मेरी ये हालत हो गई। तो इसी बहाने ही सही एटलीस्ट मुझे अपना दिन जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए मिला। आप लोग मुझे मिले हैं, सब्सक्राइब करके रखा है मेरे चैनल को, तो काफ़ी लोग हैं जो कमेंट में मुझसे मेरा हालचाल पूछते रहते, तो वो एक अच्छा लगता है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे यहाँ पर है ना जो यूनिक व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल सुबह एक नई व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।